अपनी जन्मभूमि में कथा का पारायण कर रहा हूं। खेड़ा वसुंधरा एटा में यह प्रसंग आप सभी भक्त भक्तानियों को श्रवण करने के लिए मिलेगा। आरएस स्टूडियो के माध्यम से भगवान जब मथुरा में आगे बढ़े तो मिला रजत। तब तक आया सामने धोबी एक गमार, कंस कीर्ति गाता हुआ जी मदिरा में सरसा। शराब पिए चला रहा है। कन्हैया ने हाथ जोड़े, मामा जी राम राम बोलो। राम राम कौन हो रे? जवाब दिया कंस के भांजे। हमारे लिए जैसे कंस मामा वैसे तुम सब मामा ही हो। जब गठरिया में काले जा रहे हो, जवाब दिया धुले हुए वस्त्र। तो फिर एक काम करो, जब गठरिया में से कुछ कपड़े निकाल के हमें भी दे दो। हमारी तुम्हारी तो मिली जुली सरकार है। आओ 51 पत्र मधुआए मेरे पास भिजवा रहे हैं भाई महेंद्र सिंह जी। धन्यवाद भाई। बाप कन्हैया ने कहा मामा के मेला को निमंत्रण दे, जंगल में से सीधे चले आए, अच्छे कपड़ा पहन के नहीं आए। जब गठरिया में से कुछ कपड़ा निकाल के हमें भी दे दो। धोबी ने कहा एक बार आओ। बन बन फिरत चरावत गैया, अहीर जाते कामरी उड़ैया। नट को भेष बनाई तुम आए, नृप पट पैर नकुल छाए। हट जाओ मेरे सामने से, नट और कंजराओं जैसा भेष बनाए घूम रहे हो, राजा महाराजाओं कपड़ा पहन दीक्षा कर रहे हो, क्या तुम्हारे सर पर मौत नाच रही है? बलराम ने कहा लाला ये तो इट बहुत रहे हो। कन्हैया बोले दादा जाकी ऐंट थोड़ी देर की है, याद आ गई वही धोबी है जाने त्रेता में मेरी सीता को गलत लांछन लगाया था। अपनी तरफ खींचा और खींच कर गाल पर एक चांटा मारा। एक ही चांटे में एक धोबी के डबल धोबी, कहीं सिर कहीं धड़ और कऊ कपड़ की गठरिया। मैं बाप एक जन्म की नहीं, मैं आपको जब धोबी के तीन जन्म की कथा सुना रहा हूं। जो कन्हैया ने मारा है मथुरा की गली में, थोड़ा सा टुकड़ा है पद्म पुराण से। राजा जनक की बगिया में रहने वाले दो पक्षी सुआ और सुग्गी। सुग्गी गर्भवती है। एक दिन अपनी गर्भवती सुग्गी का मन बहलाने के लिए सुआ कथा सुनाने लगा। ए प्राण प्यारी सुग्गी, हम लोग इस राजा की बगिया में बैठे हैं। एक दिन वो राजा अपनी बेटी का स्वयंवर रचाएंगे और सीता वहां भ्रमण कर रही थी बगीचे में। समझती थी पक्षियों की भाषा, मन लगा के सुनने लगे। एक दिन उनकी बेटी का स्वयंवर होगा, राजे महाराजे राजकुमार आएंगे, धनुष को तोड़ने की बात तो अलग, कोई तलवार हिला भी नहीं पाएंगे। उस समय चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का बेटा राम धनुष तोड़ देगा, राम और सीता का विवाह हो जाएगा।
₹100 अलग से मेरे पास मेरे सम्मान रूप में मेघ सिंह जी गणेश प्रश्न उत्तर गए, धन्यवाद। इतनी कथा कह के तोता चुप हो गया। सीता ने हाथ बढ़ा के दोनों पक्षी पकड़ लिए, राजभवन ले आई, पिंजरा में बंद कर दिए और कहा, रे तोता यहां से आगे की कथा सुना, आगे चल के राम सीता फिर क्या करेंगे। तोता ने कहा, बेटा हमें छोड़ दे, हम स्वतंत्र पक्षी हैं, तुमने पिंजरे में बंद कर दिए, यहां से आगे की कथा काऊ दिन हम तुम्हें उसी बगीचे में फिर सुना देंगे। सीता ने छोड़े नहीं, अनाज के दाने डालती हैं वो खाते नहीं, जल पिलाती हैं पीते नहीं। एक दिन पानी पिलाने के लिए तोते वाले हिस्से की खिड़की खोली, मौका पाकर तोता उड़ गया। सुग्गी गर्भवती है, तोता तड़प तड़प के मरा बगीचे में, सुग्गी मरने लगी पिंजड़े में, और मरते समय सुग्गी ने श्राप दे दिया, दुष्टनी मैं गर्भावस्था में हूं अपने पति से अलग हूं, ऐसे ही जब तू गर्भावस्था में होगी तुझे अपने पति से अलग रहना पड़ेगा। अभी तो विवाह भी नहीं हुआ था, यही सुआ और सुग्गी अगले जन्म में आके बन गए धोबी और धोबिन। कहां? अयोध्या में। रावण कुमार के राम राजा बने, मैं बाबा। एक दिन धोबी और धोबिन में अनबन हो गई, धोबिन घर से निकल के चली गई, अंधेरा हो गया। कुछ समय के बाद जब वापस लौटी, धोबी ने मना कर दिया, मैं तुझे घर में नहीं रख सकता, मैं राम नहीं हूं, लंका में रह के आई है रास्तों के बीच में। राम ने उस सीता को घर में रख लिया है। जब राम ने सीता को वापस लिया तो अग्नि परीक्षा के बाद फिर भी उंगली उठ गई। फिल्मी दुनिया वालों ने एक गीत गाया है, कि दिल चोरी साटा हो गया की करिए की करिए, दिल चोरी साटा हो गया की करिए की। बड़ी मेहरबानी होगी, बहुत अच्छे प्रसंग पर प्रकाश डाल रहा हूं। धोबी ने धोबिन से कहा, तू रात बता कहां हो गई मेरे घर में पैरन करिए, तू रात बता कहां हो गई मेरे घर में पैरन। बेशरमाई ओढ़ काए बैठी है मोह मोड़, अब मैं तुझसे ज्यादा क्या कहूँ, तू घर घर डुल्ली हो गई तो करिए, तू घर घर डुल्ली। मेरा परम सौभाग्य है, बाहर कथा करने जाता हूं, अभी भी कथाओं में से आया हूं, अपने यहां भंडारा है उसी दिन बैठ जाएगी।
बाकी बाहर के लोग देखेंगे कि ये जो प्रसंग है ये खेड़ा गांव का पड़ा हुआ है, ये दुर्वेश गरीबा की जन्मभूमि है। ए तू मनमानी है करती मन मेहनत निकहे डरती, कुछ नहीं भरोसा तेरा और कब कहां लगा ले डेरा। तू तू किसके घमंड में हो गई। दोबिन ने कहा पिया कंफ्यूज हो गए हो, सुनो। दोबिन तब ऐसे बोली मैं इधर उधर ना डोली, फिर कथा राम की सुन साजन बात काम की, मैं रात कथा में तो गई। कथा तो कह रहा था दुर्वेश गरीबा, रात्रि में कार्यक्रम दिया था दिनेश शास्त्री ने, मैं उसे सुनने चली गई थी। अरे मैं रात कथा में हो गई। मैं रात कथा में तो गई काउ संशय में मत। कुछ लोग जान बूझ कर अच्छे भले जीवन को नरक बना लेते हैं। एक बात बता दूं, हम लोग चाहते हैं घर में पत्नी सीता हो। हमने कभी राम बनने का प्रयास किया? नीचे से जल ऊपर चढ़ जाए ऐसा भी हो सकता है, और पढ़ा लिखा कोई शख्स गधा हो ऐसा भी हो सकता है। तू गैर के घर में घुसाओ अपना जी बहलाने को, और तेरे घर में कोई और घुसाओ ऐसा भी हो सकता है। पति पत्नी दोनों के बीच में अगर कोई थर्ड है तो जीवन नरक है। पति के जीवन में कोई महिला या पत्नी के जीवन में कोई पुरुष, ये दुनिया विश्वास पर टिकी है साहब। एक सज्जन जॉब करते थे और जहां वो नौकरी करते थे वहां से फोन करते थे पत्नी के पास में और पूछते थे कि तुम कहां हो, तो बताती थी किचन में हूं, तो बोलते थे चल मिक्सी की आवाज सुना। बेचारी सुनाती थी
कुछ दिन के बाद छुट्टी लेके घर आए, घर वाली घर में नहीं है, नौकरानी मिली। नौकरानी से पूछा मालकिन कहाँ है, जवाब दिया चार दिन हो गए मिक्सी लेके निकल गई, अभी तो लौटी नहीं। तू तो फोन करे हो तो जो कहे हो कि तुम कहाँ हो, वो कह दे किचन में सुना मिक्सी के बाद सो पे संग ही ले गई है, काम खत्म। मुझे इस तरफ नहीं जाना है, प्रसंग पर चर्चा करूं मैं। बाबा गुप्तचरों के द्वारा राम को पता चला मेरी सीता के प्रति समाज का जो नजरिया है वो ठीक नहीं है। उसरा पूरा होने जा रहा है सुग्गी वाला। सज्जनों, राम ने विचार किया मुझे सीता को वनवास देना है, ये काम भरत के बस का नहीं। लक्ष्मण से कहा लखन भैया आ जा, स्वागत यहीं आ जाइयो इन बच्चों के पास। नवल सिंह शास्त्री जी हिम्मतपुर से और आप मैं और मेरे गुरुदेव स्वर्गीय नाथुराम शास्त्री जी मैं मौसेरे भाइयों का संबंध है। 101 पत्र मुद्राएं हमें समृद्ध कर रहे हैं आशीर्वाद के रूप में, और ये 100 रुपए रमेश यादव एटा से गरीबा के पास भेज रहे हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आप सभी के लिए। एक बार नहीं अनेक बार बंधुओं, राम ने लक्ष्मण से कहा लखन भैया सीता को जंगल में छोड़ाओ। जैसे ही ये सब लक्ष्मण ने सुने लक्ष्मण रोते रह गए, गया हृदय भी डोल। लगे टालने पर चली न टाल मटोल। लक्ष्मण ने मना किया भैया ये ठीक नहीं है, मैया का तो वैसे भी सारा जीवन विपत्ति में गया है। बहने हो एक बात बता दूं, विपत्ति की मूर्ति है सीता, सारी जिंदगी गई है दुखों में। आज रात में सीता ने सपना देखा है, सपना राम को सुनाने लगी। आज पुत्र मैं जंगल में गई हूँ, मैंने महात्माओं के दर्शन किए हैं, फल दे रही हूँ, वस्त्र भेंट कर रही हूँ संत महापुरुषों को, उनके हृदय का आशीर्वाद ले रही हूँ, वो सपना साकार होने जा रहा है। मैं बाबा लक्ष्मण ने कहा मैया चलो हम आपको जंगल में घुमा के लाते हैं, शीतल मंद सुगंध समीर संतों के दर्शन। प्रसन्न मन विदेह नंदिनी सीता ने संतों को देने के लिए वस्त्र रख लिए, फल रख लिए। लक्ष्मण ने सुमंत से कहा जो मंत्री है, विदेह नंदिनी मैया सीता को जंगल में छोड़ के वापस आना है, वो कितना ही कण क्रंदन करें रथ वापस नहीं करना है। रथ में सीता को बैठा
लक्ष्मण वन को रस्ता लियो। रोवे रथ वान बिचारो रथ हाकत हाकत हारो। रोवे रथ वान बिचारो रथ हाकत हाकत हारो। घोड़ा कदमन धरत अनार लक्ष्मण वन को रस्ता लियो। घोड़ा कदमन धरत अनार लक्ष्मण वन को रस्ता लियो। को बैठार लक्ष्मण वन को रस्ता लियो। रथ में सीता को बैठार लक्ष्मण वन को रस्ता लियो। सघन वन में रथ जा पहुंचा। लक्ष्मण ने कहा सीता से, मैया आप इस वट वृक्ष के नीचे बैठ जाओ, हम आपको पानी ले जाते हैं। पानी के बहाने सुमंत को इशारा किया, रथ वापस कर दिया। मैं बा रथ अवध आया। ज्यों ही लक्ष्मण प्रदर्श पड़ी चौके पर बोले, सिया कहा जिसके वियोग में प्राण दुखी वही प्राणों की प्रिया कहा। फिर संभले कहाँ छोड़ आए, जो हुआ उचित था उचित हुआ। राजा होने में क्या सुख है, यह राजा होकर विदित हुआ। राम को खेद है इस बात का, अगर आज मैं राजान होता तो मुझे अपनी प्राण प्रिया को वनवास नहीं देना पड़ता। सूरस्ता सर में चले गए, सिर दहाड़ रहे हैं, हाथी चिंगाड़ रहे हैं, भयंकर आवाजें आ रही हैं साहब। जंगली जानवरों की सीता समझ गई, मालूम पड़ता है मेरे पिया ने मेरा त्याग कर दिया। मुझे त्याग तो दिया पर मैं ये न जान पाई मेरा कसूर क्या है, मेरा दोष क्या है। लखनलाल भी रोरों पर अधीर थे, आंखों से आंसू निकलते, गाल पर लकीर बनाते हुए जमीन में समा जाते हैं। अरे वन रोए रही ठाड़ी बने हो, गाओ और को लोग लाओ भाव से गाओ। जनक दुलारी सीता माँ, जनक दुलारी सीता माँ, अरे बन रोए रही आड़ी, जनक दुलारी सीता माँ।
देवरो मैंने भरन पठाए दे नीर देवरो मैंने भरन पठाए दे नीर लौट के ना आए मम तीर लौट के ना आए मम तीर अरे निठुरता दिल में धारी और जनक दुलारी सीता माए निठुरता दिल में धारी जनक दुलारी सीता माए अरे बना रोए रही धारी जनक दुलारी सीता माए अरे बना रोए रही धारी जनक दुलारी सीता अचानक आ गए भ्रमण करते हुए तपस्या के प्रभाव से सबको जान गए सीता को अपने साथ ले गए देखिए सीता की सोच कितनी अच्छी है चाहती तो आत्महत्या भी तो कर सकती थी नहीं सीता की ये सोच है मेरे उदर में मेरे प्रभु का तेज है मैं उनका तेज उन्हें वापस कर दूं समय पूर्ण होने पर सीता ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया ये बात समाज में गलत कही जाती है कि एक पैदा किया दूसरा दाव कांसों का बना दिया नहीं साहब दोनों पैदा हुए हैं इस बात का प्रमाण है दो चार रोज में जान गए सब आस पास के नरनारी जिस आश्रम वाली बंदे भी है दो पुत्रों की महतारी प्रसव की वेदना से परेशान थी तो वाल्मीकि दूर खड़े थे बेटा ये ऐसा समय में तुम्हारे पास नहीं आ सकता देखा दो बच्चों को जन्म दिया है कैसे दुलार करेंगे कैसे करेंगे लाल पालन झाड़ियों को पकड़ के बीच में बांध दिया पालना बना दिया पेड़ों के सूखे पत्ते इकट्ठे कर दिए गद्दा बना दिया इन्हीं बच्चों का जन्म राजभवन में होता तो दान लुटाए जाते साहब बाजे बजते मिठाइयां बांटी जाती वाल्मीकि ने नाम पर संस्कार किया तो एक बच्चे का नाम रख दिया लव और एक का कुश लांग पांग किया बच्चे बड़े होने लगे वाल्मीकि ने एक बहुत अच्छा काम किया इन दोनों को राम कथा सिखा दी पर ये नहीं बताया कि ये कथा तुम्हारे अपने माता पिता की वीणा बजाना सिखा दिया यहाँ प्रभु श्री राम ने यज्ञ किया तो सामने समस्या है सा अवधेश यज्ञ होने में आपसी धर्म की उलझन है पत्नी में यज्ञ अधूरा है शास्त्रों में ऐसा वर्णन है लोग सलाह देने लगे एक काम करो दूसरी शादी कर लो राम ने मना कर दिया यही तो राम का आदर्श है तो देखिए राम ने क्या कहा इतना विप्लव होने पर भी है सा उत्साह नहीं होगा
इतना भी पलब नहीं पर भी है साउत साह नहीं होगा कौशल पति का इस जीवन में दूसरा विवाह नहीं होगा राम सिया जय राम सिया जय राम सिया जय राम सिया राम सिया जय राम सिया जय राम सिया जय राम सिया राम सिया जय राम सिया जय राम सिया जय राम सिया प्रमाण मिलता है सीता सोने की बनाई गई राम ने दूसरा विवाह नहीं किया था इसे तक निमंत्रण किया वाल्मीकि के लिए और यज्ञ में संत महापुरुषों का होना बहुत जरूरी है परम आवश्यक है वाल्मीकि तैयारी करने लगे राम के यज्ञ में जाने की दोनों बच्चे पास में आ गए गुरुजी कहाँ जा रहे हो जहाँ आप जा रहे हो हमें भी लेते चलो दोनों भाइयों को वाल्मीकि ने जवाब दिया लाला हम जा रहे हैं अयोध्या के जो सम्राट हैं राजा राम वो यज्ञ रचा रहे हैं उनके यज्ञ में जा रहे हैं दोनों भैया बोले हमें भी ले चलो आज तक हमने कभी कोई राजा नहीं देखा कभी कोई नगर भी नहीं देखा तो वाल्मीकि ने कहा सुनो वाल्मीकि ने कहा तो फिर एक काम करो अपनी मैया से पूछ आओ अगर तुम्हारी मैया कह देंगी तो हम आपको ले चलेंगे दोनों बच्चे सीता के पास आ गए गले में मैया डाली वक्ष स्थल से चिपट गए मैया गुरुजी बहने हो अब तुम बैठो 10 मिनट के लिए अभी कुछ मत करना कतई बिल्कुल बैठ जाओ आराम से बैठो 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 आप सभी से निवेदन है 10 मिनट के लिए बिल्कुल हलचल बंद कर दें प्लीज अभी 10 मिनट कथा में थोड़ा दर्द है मत कन्याओं को सम्मान करना मत संतों से आशीर्वाद लेना मत आप कोई हमें कुछ देने के लिए आना 10 मिनट शांत बैठो आराम से कथा का आनंद लो मैं बाय गुरुजी एक यज्ञ में जा रहे हैं अयोध्या के राजा हैं राम यज्ञ रचा रहे मैया आप कह दो तो हम दो भैया चले जाएं आज तक हमने कभी कोई राजा नहीं देखा कभी कोई नगर भी नहीं देखा सीता के कान में जैसे ये शब्द पड़े आंसू बाहर तो नहीं आने दिए पी गई पर विचार किया मालूम पड़ता है मेरे द्वारा कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया
मेरे प्रभु यज्ञ रचा रहे हैं और हमें नहीं बुलाया। बच्चों ने मैया की आंखें गीली देखी, सीता विचार कर रही है, लगता है हमसे कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया है। लव कुश ने कहा, मैया रो रही हो तो मैं हमारी सौगंध है, आप रोना मत, हम नहीं जाएंगे। सीता ने कहा, बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, आज तक तुम पहले कभी कहीं गए नहीं हो, आज पहली बार जा रहे हो, इसलिए मेरी आंखों में आंसू आ गए। बच्चों को स्नान करवाया, फूलों के गजरे बना बना के सजा दिया, आज मेरे बच्चे अपने परिवार में जाके मिलेंगे। एक बात बोली, अब जा रहे हो, जो भी मिले उन्हें प्रणाम करना, वहां तुम्हें तीन बुढ़िया मिलेंगी सफेद साड़ी में, उन्हें जब प्रणाम करो तो ऐसे नहीं साष्टांग दंडवत प्रणाम करना उनके चरणों में लेट कर। बच्चों ने कहा, मैया उन गुड़ियाओं को तुम कैसे जानती हो? तो सीता ने कहा, बेटा मैंने पहले कभी उन्हें देखा है। माता निर्माता भवती, उस धर्म सभा में पांच धर्म का मर्म सुना करके धर्म निभाना मेरे धर्म निभाना मेरे जन होंगे प्रभु राम जी के संग पर जन होंगे उन सबको सादर कर प्रणाम वा शीश झुका करके धर्म निभाना मेरे ला तुमको श्वेत वस्त्रों में जिनकी दिखे सूरत वो एक नहीं तीना ममता की है मूरत छू करके शरण वहां उनके आशीष गुप्पा करके धर्म निभाना मेरा धर्म निभाना मेरा सभा में पहुंच धर्म का मर्म सुना करके धर्म निभाना मेरे ला
दोनों भैया वहीं आ गए जहां साधु संत रुके हुए हैं। वाल्मीकि ने आसन लगाया, बच्चों से कह दिया खड़े हो जाओ, राम कथा कहो। जहां संत इकट्ठे होंगे वहां राम कथा होगी, और जहां ग्रस्त इकट्ठे होंगे वहां काम कथा होगी। बीणा बजने लगी, राम कथा होने लगी। राजन उस जनक दुलारी की गम कथा सुनाते हैं। महलों में पली वा जनक लली गम शीश झुकाते हैं। राजन उस जनक दुलारी की गम कथा सुनाते हैं। ये नहीं पता ये कथा हमारे अपने माता पिता की है। जब धनुष राम ने तोड़ा सीता से नाता जोड़ा, फिर लेकर सिया को संग राम जी अवध को आते हैं। राजन उस जनक दुलारी की हम कथा सुनाते हैं। बाय बाय बच्चे, कथा कह रहे हैं प्रभु श्री राम को पता चला वाल्मीकि ऋषि के साथ में दो बालक आए हैं, वो कथा बहुत अच्छी गाते हैं। ये बात लक्ष्मण ने भी कही थी राम से, भैया साधु बाल के दो प्रभु सुंदर शोभा धाम, वाल्मीकि के संग हैं लव कुश जिनका नाम। राम ने सिपाही भेजे, बच्चों को बुलाया, वाल्मीकि ने कह दिया जाओ बेटा, जो राजा यज्ञ रचा रहे हैं वो तुमसे राम कथा सुनना चाहते हैं। बीना बजने लगी, सारा राज कुटुंब एकत्रित है, राम कथा भावने लगी। राजन उस जनक दुलारी की हम कथा सुनाते हैं। कथा में विवाह हो गया राम का, बोले दोनों के कई ने जुल्म गुजारे तीनों वनवास सिधारे। प्रसंग आ गया वनवास पर, भैया थोड़ा सा वेट करिएगा, अच्छा ज्यादा नहीं, 5 मिनट, बड़ी मेहरबानी होगी। मैंने माइक से ही कह दिया है कि कृपया थोड़ी देर के लिए सारी हलचल बंद कर दो। मेरे गांव से ही मेरे बड़े भैया मुझे 100 रुपए दे गए, मैंने उनका भी नाम नहीं लिया, लूंगा थोड़ी देर प्रसंग पर चर्चा कर लूंगा। सज्जनों, राम बैठे बैठे सुन रहे कौशल्या सुमित्रा केकई, वो भी तीनों बैठे हैं, वशिष्ठ अरुंधति वामदेव, सारा राज कुटुंब एकत्रित है। उस कठिन भूमि पर तीनों नंगे पैरों जाते हैं। राजन उस जनक दुलारी की हम कथा सुनाते हैं। मैं बाबा, राम की आंखें गीली हो गई, वो भी समय था 14 वर्ष का, हम तीनों संग में थे और आज वो अभागिन अकेली है। राम रोए, राम की तरफ देख के लक्ष्मण रो गए, भरत रोए, शत्रुघ्न रोए, बालक विचार करने लगे हम तो कथा गा रहे हैं और ये तो रो रहे हैं। बच्चों ने राम से प्रश्न कर दिया, क्यों रो रहे हो, पत्नी की मौत हो गई है या कोई बेटा नहीं है? आहा,
राम ने कौशल्या की गोद में सिर रख लिया, चीख निकल गई, जोर जोर से रोने लगे फूट फूट कर। धैर्य बांध कर कहा कौशल्या से राम ने, मैया ये दोनों मेरे हैं। बिल्कुल सकल सूरत राम से मिलती जुलती है। बंधु राम ने कहा, अगर मैं भी इनसे पूछूंगा कि तुम्हारे माता पिता कौन है, मैया का नाम बताएंगे सीता और पिता का नाम लेंगे तो कंफर्म है राम कहेंगे। राम ने पूछ लिया, अच्छा भैया एक बात बता दोगे, तुम्हारे माता पिता कौन है? बीड़ा फेंक दिया दोनों ने। तुम्हें राजा किसने बना दिया जो आप हमसे हमारे माता पिता का नाम पूछ रहे हो? अगर पूछना था तो गुरु का नाम पूछते तो हम आपको बताते, हम नहीं बताएंगे अपने माँ बाप का नाम। राम ने जब ज्यादा कहा तो लब बोले, हम आपको मैया का नाम तो बता देंगे, पिता का नहीं बता पाएंगे। राम रो रो कर अधीर है, जो दुनिया में ऐसा भी कोई बाप होगा जिसके बच्चे पिता का नाम न जानते हो? भैया चलो मैया का ही नाम बताओ, तुम्हारी माँ कौन है? वो नहीं जानते कि हमारी मैया सीता है, वाल्मीकि बंदे भी कहते थे, सो दोनों यही जानते थे कि हमारी मैया का नाम है बंदे भी। कह दिया हमारी मैया बंदे भी है। पीछे खड़े कुछ ने आवाज दी लव को, भैया मैया का नाम तुमने बता दिया, पिता का नाम मैं बताऊं? राम ने कहा, भैया तू बता कौन है तुम दोनों का पिता? लव ने कहा गुस्से, पिता का नाम हम तो नहीं जानते, तुम कैसे जानते हो? कुछ ने जवाब दिया, भैया हम तुम जब दोनों छोटे थे ना, एक दिन हम तुम शेरनी के बच्चों के दांत गिर रहे थे तो हमारी तुम्हारी मैया ने एक बात कही थी, ओ निर्मोही के जाए हमारी तुम्हारे पिता का नाम है निर्मोही। राम ने कौशल्या की तरफ मुख किया, मैया अगर मैं सीता को वनवास देता तो आज मेरी संतान मुझे निर्मोही नहीं कहती। बोले दोनों, हम हैं बंदे भी के लाल, लब कुछ है नाम हमारो, हम हैं बंदे भी के लाल, लब कुछ है नाम हमारो। हम वन में रहने वाले और मुनि वाल्मीकि ने पाले, हम वन में रहने वाले मुनि वाल्मीकि ने पाले, पिता को नाए हमें कछु ख्याल, लव कुछ है नाम हमारो, पिता को नाए हमें कछु ख्याल, कुछ है नाम हमारो, हम हैं बंदे भी के लाल, लव कुछ है नाम हमारो, हम हैं बंदे भी के लाल, कुछ है नाम हमारो। सुनाइए बच्चों ने, रावण बध तक
राजन उस जनक दुलारी की हम कथा सुनाते हैं। जब राम ने रावण मारा फिर अवध का राज सवारा करिबे देही की याद नीर दुर वेश बहाते हैं। राजन उस जनक दुलारी की हम कथा सुनाते हैं। रावण का वध राम का राय तिलक कथा बंद हो गई। राम ने कहा भैया आगे कथा और सुनाओ। राम ये जानना चाहते हैं बच्चे अभी कथा में बताएंगे सीता कहाँ है। दोनों ने मना कर दिया यहाँ से आगे की कथा अब नहीं कहेंगे। राम बोले क्यों? बोले आगे के राम कथा लायक नहीं है। आगे राम ने अच्छा नहीं किया, अपनी निर्दोष निरपराध निष्कलंक पत्नी का प्रत्याग कर दिया। वाल्मीकि ने राम से कहा राघव अगर आप कहो तो सीता को बुलवा दें मेरे पास, अगर आप स्वीकार कर लें तो। राम ने कहा मैं स्वीकार तो कर लूंगा अगर ये समाज कह देगा तो। सीता को बुलाया गया। सीता ने साफ मना कर दिया अब मैं इस शरीर से अब तो नहीं जा सकती, मेरे प्रभु अगर चाहें तो मुझे दूसरी जगह बुलवा सकते हैं। ऐसा प्रमाण मिलता है ये सब प्रभास क्षेत्र में इकट्ठे हुए। बहुत बड़ी भीड़ है उसके मध्य में सीता को खड़ा कर दिया। कोई कुछ कहने को तैयार नहीं। पृथ्वी की बेटी ने पृथ्वी की तरफ देखा और बोली मैया अगर मैं निर्दोष हूं, मैंने अपने पति के अलावा सपने में भी परपुरुष का चिंतन नहीं किया तो फट जाओ, मुझे अपने अंक में भर लो, मुझे जगह दे दो। आहा, देखते ही देखते जमीन में एक दरार पड़ी, चौड़ी होती गई, एक रत्न जड़ सिंहासन निकला। हाथ बाहर आए, आ मेरी बेटी, आ मेरी लाड़ो। सीता सिंहासन पर बैठ गई। सिंहासन जमीन में जब समाने लगा बच्चों ने देखा हो हमारी मैया को तो ये पृथ्वी निकले जा रही है। बीना फेंक दिए, दौड़कर मैया की साड़ी का आंचल पकड़ लिया, कहाँ जा रही हो मैया? जहाँ आप जा रही हो हम दोनों भैयाओं को अपने साथ लेती चलो। हमें गुरुजी तब तक दुलार कर रहे हैं जब तक आप हैं, आप नहीं रहेंगे ना तो गुरुजी हमें रोता भी लगता छोड़ के चले जाएंगे। मैया मैया कुछ तो हमें बताओ, कौन कुशल पूछेगा? पहुंचे कौन स्वेद कड़ हमरे ये मस्तक को चूमेगा? मैया कहकर पग बंदन कर किसके गले लगेंगे? मुनिवर वाल्मीकि भी हमको बिलखत छोड़ चलेंगे। देखते ही देखते सिंहासन जमीन में समा गया। बच्चों की चीख निकल गई, जोर जोर सुनो मिल गई। कौशल्या आ गई पास में, गोद में ले लिया। नरो धैर्य धारण करो, मैया तो दुनिया में नहीं रही पर दादी माँ तो है। बच्चों ने गौर से देखा, दादी माँ हम ये कैसे स्वीकार कर लें कि आप हमारी दादी माँ हो? अगर आप हमारी दादी माँ होती तो बचपन में हमें इन बाहों में झूला झूलने का मौका मिलता, हमें छोड़ दो। हमारी मैया को तो ये अभागिन पृथ्वी निकल गई। राम आ गए पास में,
बच्चों को गले से लगा लिया, बेटा चुप हो जा, मैया तो दुनिया में अब नहीं है, पिता तो है, बच्चे असमंजस में पड़ गए, हम ये क्या सुन रहे हैं, तुम हमारे पिता, हम ये कैसे स्वीकार कर लें कि तुम हमारे पिता हो, और वास्तव में अगर तुम हमारे पिता हो तो हम तुमसे एक प्रश्न कर रहे हैं, बस इतना बता दो हमारी मैया तुमसे दूर क्यों रहती थी, राम के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं। रो रो कर अधीरे परमात्मा धनुष पर बाण चढ़ाया, और बोले पृथ्वी सीता को बाहर कर दे, और नहीं तो एक ही बाण में रसातल में पहुंचा दूंगा। वशिष्ठ ने कहा राघवेंद्र विधि का विधान है, जो होना था वो हो गया, ऐसा मत करना, न जाने कितने निरपराध जीवों की हत्या हो जाएगी। प्रभु श्री राम ने विषय बदल दिया, बच्चों से प्रश्न किया, अच्छा एक बात बताओ तुम्हारे गुरु कौन है, जैसे ही शब्द कान में पड़े चुप हो गए और बोले सुनो, अगर आप हमसे पूछ रहे हो कि हमारे गुरु कौन है तो हम आपको बता रहे हैं, किसके चेले हो यह सुनकर उत्साह बढ़ा उन शिष्यों में, किसके चेले हो ये सुन करो तो साह बढ़ा उन शिष्यों में, गुरुदेव हमारे वाल्मीक यह कहा करारे सत्यों में, राम सिया जय राम सिया जय राम सिया जय राम सिया राम सिया जय राम सिया। अब जिस किसी को जो कुछ भी करना है आराम।